निर्लिप्तता की जरूरत क्या है? यह संसार में हम सुख में सुखी हो जाए, दुख में दुखी हो जाए, तो दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? क्यों यह शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, क्यों यह गुरु परंपरा कहती है कि निर्लेप रहो? और तब जाके शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि समझना, जीवन में कभी किसी की एक समान परिस्थिति नहीं रह सकती। बराबर कान खोल के सुन लेना, जीवन में यह जो आपको जीवन मिला है, यह जो आपको जीवन मिला है, वह जीवन में एक समान परिस्थिति कभी किसी की नहीं रह सकती। सुख और दुख चलते रहता है। और शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझना, यदि सुख में तू सुखी होने लगा तो उससे ज्यादा तू दुख में दुखी होता चला जाएगा। और ज्यादातर होता यह है कि सुख के दिन कम होते हैं और दुख के दिन ज्यादा होते हैं। आप 24 घंटे में भी एक बार चेक करना, जीवन की बात जाने दो, जन्म जन्म की बात जाने दो, सालों की बात जाने दो, मैं आपको यह कहता हूं कि 24 घंटे में आप एक बार चेक करना कि 24 घंटे में आपका सुख का समय अधिक है या पीड़ा वेदना व्याधि और दुख का समय अधिक है। आप शांति में ज्यादा समय रहते हो या अशांति में ज्यादा समय रहते हो? आप समाधि में ज्यादा समय रहते हो या असमाधि में ज्यादा समय आपका बीतता है? पूरे जीवन की बात छोड़ो, मैं कहता हूं एक दिन को जांचो, उसके ऊपर से आपको पूरे जीवन का ब्यौरा मिल जाएगा। एक दिन देखो खाली, मार्ग करोगे, ये 24 घंटे बीते, ये 24 घंटे में मैं समाधि में ज्यादा था या असमाधि में ज्यादा था, शांति में ज्यादा था या अशांति में ज्यादा था, चिंता में ज्यादा था या चिंतन में ज्यादा था, मैं था कहां 24 घंटे में? 24 घंटे में वह मुश्किल ऐसी घड़िया, ऐसा समय निकलता है जहां आप पूर्णतः आनंद में होते हो। और किसी किसी को तो 24 घंटे में एक मिनट भी ऐसी नहीं निकलती। जीवन में ज्यादा हिस्सा सुख का है या ज्यादा हिस्सा दुख का है, यदि जागना है तो पूरे दिन को चेक कर लो। आप रिलैक्स अवस्था में ज्यादा समय रहते हो या टेंशन अवस्था में ज्यादा समय रहते हो? आपको प्रतीत होगा कि नहीं, 24 घंटे में रिलैक्सेशन बहुत कम होता है, टेंशन वाली अवस्था बहुत ज्यादा होती है, चिंता वाली अवस्था ज्यादा है, चिंतन वाली अवस्था कम है, आनंद वाली अवस्था कम है, विषाद वाली अवस्था ज्यादा है। तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जो 24 घंटे है ना, यही तेरा जीवन है। बराबर समझना, यदि 24 घंटे में चिंता ज्यादा है तो समझना जीवन में भी चिंता ज्यादा है। 24 घंटे में रिलैक्सेशन का समय बहुत कम है तो समझना कि जीवन में भी रिलैक्स, तेरे पास रिलैक्स रहने का समय बहुत कम है। जो 24 घंटे का वृत्तांत तैयार होगा, जो 24 घंटे का ब्यौरा तैयार होगा, वही आपके जीवन का ब्यौरा है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि निर्लेप रहना सीख ले, क्योंकि तेरे जीवन में सुख की घड़ियां चंद है, बहुत कम है, सुख के लम्हे बहुत कम है, दुख के लम्हे बहुत ज्यादा है। और जब दुख के लम्हे आएंगे तब तू टूट जाएगा, भीतर से खत्म हो जाएगा। यदि निर्लेप रहना सीख गया तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संयोग तुझे विचलित नहीं कर पाए। और इसीलिए निर्लेपता की जरूरत है। आपके जीवन को परखना है, देखना है, तो आपके जीवन के एक 24 घंटे ले लो और वह 24 घंटे को देख लो, आपको पूरा जीवन पता चल जाएगा। मृत्यु के समय रोने की जरूरत नहीं है कि मुझे ऐसा अद्भुत जीवन मिला मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे ऐसा अद्भुत जीवन मिला मैं कुछ पाया नहीं, मुझे ऐसा अद्भुत जीवन मिला मैं सफल नहीं हो पाया। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि मृत्यु तक विलंब करने की जरूरत नहीं है, मृत्यु तक वेट करने की जरूरत नहीं है, आज के 24 घंटे देख ले, तुझे पता चल जाएगा तेरा जीवन कैसा है, और वह 24 घंटे को देख कर तेरे जीवन में सुधार ला दे। एक एक दिन बहुमूल्य है। जीवन के 70-80 साल परिपूर्ण हो जाए फिर हमें अफसोस होता है, अरे जीवन में कुछ नहीं कर पाए।
मृत्यु सैया पर लेटे हुए होते हैं, मन में अफसोस होता है, जीवन में धर्म नहीं कर पाए। शास्त्रकार भगवान कहते हैं वहां तक जाने की जरूरत क्या है। आज को देख ले, आज के तेरे 24 घंटे देख ले, ये जो 24 घंटे है ना वही तेरा जीवन है। मृत्यु तक राह देखने की जरूरत नहीं है, मृत्यु तक विलंब करने की जरूरत नहीं है। आज देखकर आज सुधार ले, क्योंकि शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि आज तेरे जीवन में दुख ज्यादा है, चिंता ज्यादा है, पीड़ा ज्यादा है, वेदना ज्यादा है, व्याधि ज्यादा है, असमाधि का समय ज्यादा है, अशांति का समय ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु के समय तू रोता होगा कि नहीं मेरे जीवन में असमाधि रही, मेरे जीवन में अशांति रही। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि आज को 24 घंटे को देखकर अपने जीवन को बदल। मैं कहता हूं कि प्रवचन सुनकर आपको असर न हो कोई बात नहीं, शास्त्र और धर्म ग्रंथों को पढ़कर आपके ऊपर कोई असर न हो कोई बात नहीं, लेकिन खुद को देखकर तो कुछ सीखो, अपने जीवन को देखकर तो कुछ सीखोगे। ये बीते मेरे 24 घंटे, जो कल से आज तक जो मेरे 24 घंटे बीते वो कैसे बीते, मैं कितने आनंद में था, कितनी मस्ती में था, कितने मजे में था, क्या मेरे पास भीतर की ताकत थी, क्या मैं कर पाया, कितना समय का सदुपयोग कर पाया, कितने समय को संभाल पाया, कितना समय बचा पाया, कितना समय मेरा प्रमाद में चला गया, कितना समय मेरा सोने में चला गया, कितना समय मेरा खाने में चला गया। बस ये 24 घंटे का जो रिजल्ट आएगा, 24 घंटे का जो परिणाम आएगा, वही आपके जीवन का परिणाम आएगा। और इसीलिए देखो, जागो, परखो, और 24 घंटे यदि सुधर गए तो जीवन भी सुधर जाएगा और आपकी मौत भी सुधर जाएगी। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।